इंदौर में गर्मी के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। शहर का अधिकतम तापमान 43 डिग्री के पार गया। कई जगह बिजली कटौती से लोग परेशान रहे। शहर के कालिंदी गोल्ड सिटी में अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हो रहे हैं। रहवासियों ने विद्युत वितरण कंपनी का घेराव करते हुए ज्ञापन सौंपा है और समस्याओं का समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। रहवासियों का कहना है कि क्षेत्र में हो रही अघोषित बिजली कटौती से लोगों में काफी आक्रोश है। देखिए, हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए पर छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग लाइट की समस्या से रोज जूझ रहे हैं। 24 घंटे लाइट नहीं दे पा रहे हैं, लोग इतने परेशान हैं, लोगों का आक्रोश है। और ये छोटा सा ट्रेलर है, कल इसी संख्या ने कल कुछ चौराहे भी रात को जाम कर दिया था। जाम होगा भैया, रात को किया था। ठीक है, यदि ये समाधान आज शाम तक ये लोग नहीं कर पाते एमपीवी वाले, तो ये उग्र प्रदर्शन होगा यहाँ पर। और कालिंदी का हर एक व्यक्ति आएगा, हर एक व्यक्ति चौराहे पे बैठेगा इंदौर शहर के अंदर। और उसके बावजूद 45 डिग्री के बावजूद 3 दिन से हम लोग बिना कूलर बिना पंखे के सो रहे हैं, क्योंकि समस्याएं इतनी आ रही है, लाइट ही नहीं आ रही है। और पानी के लिए आज यहाँ पे 20% या 30% लोग ही कहीं से पानी अरेंज करके नहा के आए। पानी पीने की समस्या है, लोगों को डिहाइड्रेशन हो रहा है, बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ रहा है। आज स्थिति ऐसी आ गई है कि हमें रोड पे उतरना पड़ा है।